हेलो दोस्तों, मैं जीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो आज के हमारे क्लासेस में हम पावर वीवीए पे एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है, क्योंकि हमारे इस क्लास का मोटिव में है कि डू स्मार्ट वर्क, नॉट ए हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो स्मार्ट वर्किंग की आज क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पावर क्वेरी के बारे में, और पावर क्वेरी में हम बताएंगे बहुत ही मजेदार चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन देता हूं। तो जाहिर सी बात है, मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है। अब उसी डेटा को हम आपके साथ बात करेंगे इस पे कि उस डेटा को हम कैसे करें। तो एक सिंपल सा डेटा देखें आपके सामने। तो ये डेटा पिवट फॉर्म में है, या मैट्रिक्स फॉर्म में कह सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे नेम है, डेट्स है और सेल्स है। इस पे क्या है कि हम मंथली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डेटा है। देखिए, मैं 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने का डेटा है डेट वाइज। तो इसको हम लोग मंथली जो है या वीकली या क्वार्टरली जो है, हम लोग इसको एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पिवट लगाते हैं तो ये आपका एक एक फील्ड, एक एक डेट, एक एक फील्ड बन जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो डेटा मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए? डेटा हमें चाहिए इस फॉर्मेट में कि यहाँ पे नेम हो, यहाँ पे डेट हो और यहाँ पे सेल्स हो। अब मैनुअल मतलब कि हार्ड वर्किंग जो मैंने बताया कि जो गधे भी करते हैं, तो उस हार्ड वर्किंग को लेके चलते हैं। तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, हम इसको कॉपी करेंगे, फिर नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे, देन इस पे पेस्ट करेंगे। और इसी सीक्वेंस हर डेट की तरह करना चाहिए। अब एक को करने में तकरीबन बहुत ही स्पीड करोगे, फिर भी आपको 40 से 50 सेकंड तो लग जाएंगे। आप सोचिए, अगर 6 महीने का डेटा है तो 180 दिन से ऊपर का करने में काफी टाइम लग जाएगा। सो इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कुछ फील्ड्स मैंने डिलीट किए थे तो थोड़ा दिक्कत हो गया था मुझे। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इस वाले शीट को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको कैसे करेंगे आप देखिए, इसको हम विथ इन मिनट के अंदर में मैं कैसे कर देता हूँ, विथ इन मिनट। आपको अगर आप सीख जाएंगे इससे भी कम टाइम में कर सकते हैं इस चीज को। तो इसके लिए आपको एक बार सेव कर देता हूँ। हाँ, डेटा मेनूबार में जाना पड़ेगा, गेट डेटा में फ्रॉम फाइल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये फाइल जहाँ सेव है वहां पे आपको जाना होगा। तो आप देख लीजिएगा फाइल सेव क्या है। मेरा फाइल आई थिंक डॉक्यूमेंट में, माई डॉक्यूमेंट में है, थोड़ा तो सा हैंग हो गया, एक मिनट। हाँ, तो माई डॉक्यूमेंट में मेरा फाइल है, फाइल का नाम है पी फाइल, सेलेक्ट किया एंड इम्पोर्ट। ओके, इसमें हमने डेटा को सेलेक्ट किया और इसको यहां पे हम सीधे ट्रांसफॉर्म पे चले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में और ट्रांसफॉर्म में आने के बाद अब यहां पे आ गया। तो सबसे पहले तो ये जो आपका डेट है उसको कॉलम माना ही नहीं है, तो इसमें ऊपर देखिए यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, हमने इसको क्लिक कर दिया कि यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। फिर आप नेम को कॉलम, नेम का कॉलम छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप एक्सेल में करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे अनपिवट कॉलम्स दिखेगा। जी हाँ, अनपिवट कॉलम्स, इस पे क्लिक कीजिए। आप देख लिए, अब इसमें अनपिवट कॉलम्स में जो सिलेक्ट करेंगे होंगे, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगले वीडियो में इसके बारे में आपको हम डिटेल के साथ बताएंगे। फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से पूजा आ गया, पूजा के नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नीरज आ गया। अब इसको यहाँ पे हम सिंपल सा होम पे आके लोड एंड क्लोज कर देते हैं। अब एक नई सीट एड हुआ, उसमें डेटा हमारा देखिए
एक फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें मैं आसानी से पिवट लगा सकता हूं, पिवट टेबल, और इसमें देखिए हम डेट वाइज ऑटोमेटिकली कर सकते हैं कि हम यहाँ एट्रीब्यूट में जो कि डेट है चेंज भी कर सकते हैं नाम, और इसको हम वैल्यू के यहाँ डाल देते हैं, नेम को हम यहाँ डाल देते हैं, और डेट वाइज आया। अब इसको हम राइट क्लिक करते हैं और आसानी से इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, मतलब वीकली चाहिए तो यहाँ पे हम ग्रुप, और ओके इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आसानी से किया जा सकता है, डेटा तो देखना पड़ेगा। ओके ओके डेट फॉर्मेट में आई थिंक इसको रीड नहीं कर पा रहा, हालांकि इसको आसानी से हो जाएगा। डेटा को अगर यहाँ हम चेंज करते हैं क्योंकि तो टेक्स्ट समझा रखा है, इसको टेक्स्ट बना रखा है, इसको सेलेक्ट करके हम डेट फॉर्मेट में कर देंगे, हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा, हम आगे वीडियो में समझाएंगे कैसे हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक तरीका और भी है, हम इसको लिंक कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया लिंक, क्योंकि डेट इसको डेट नहीं समझ पा रहा है। मैं बता ही देता हूँ सर, A1 एट्रीब्यूट के जगह पे मैं डेट कर देता हूँ, डेट। अभी डेट को सिस्टम डेट नहीं मान रहा है तो इसको हम डेट वैल्यू में डाल देते हैं, जी हाँ डेट वैल्यू, डेट हो गया। अब जो है रीड कर लेगा, क्योंकि वो डेट नहीं था इसलिए रीड नहीं कर पा रहा था। लाइक उसको हम फिर हम अपने डेटा में जाके जो पावर बी आई के पावर बी आई में जाके भी हम पावर क्वेरी में जाके भी हम लोग इसको कन्वर्ट एज ए डेट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको, एक मिनट में करके दिखा देता हूँ, उसी को करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ टेबल डिजाइन क्यूरी पे आता हूँ, क्यूरी पे यहाँ हम लोड टू रिफ्रेश नहीं टेबल फॉर्मेट में आ गया, एडिट एडिट पे आइए। हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखिए डेटा टाइप टेक्स्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे डेट कर देता हूँ, डेट कर दिया एंड लोड एंड क्लोज कीजिए, डेट आ गया। अब इसको एक बार यहाँ पिवट में जो हमारा पिवट है उसमें एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, आई थिंक अब ग्रुप हो जाना चाहिए, मैं भी इसको डेट नहीं समझा है, रिफ्रेश करता हूँ। ग्रुप हो गया, रिफ्रेश करना पड़ा मुझे, ग्रुप में मुझे डेज के हिसाब से चाहिए अलग करिए या फिर वहीं पे डेट में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देखिए हो गया यहाँ पे 7, 7-7 दिन का गैप आ गया। तो इसी तरीके से आप बने रहे मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का डाउट है क्वेश्चन है तो ये नंबर स्क्रीन पे दे सकते हैं। मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करना है तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, हम जूम के थ्रू लाइव क्लासेस देते हैं। किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपको रिप्लाई करने में। थैंक यू।